हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी संविधान। तो आज हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। ठीक है, तो संविधान जो आपने पढ़ाई की, तो उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके उस क्वेरी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी पे। तो चलिए, डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र का मतलब क्या हो सकता है, ये बात करेंगे। तो लोकतंत्र जो दो शब्दों से मिलकर बना, आपको दिख रहा होगा, पहला कि लोक, दूसरा है तंत्र। पहला लोक मतलब, लोक का मतलब लोग, ठीक है। उसके बाद तंत्र का मतलब शासन। हम इतनी बातें समझने के बाद इसका मतलब निकाल सकते हैं कि लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है, तो सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं कहलाता है, इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे प्रजातंत्र, गणतंत्र और जनतंत्र। हम लोकतंत्र को अन्य नामों से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद लोकतंत्र का मतलब आखिर में है क्या? अब लोगों का शासन मतलब कोई देश है, उसमें अगर लोगों का शासन है, तो देश के सभी नागरिक तो शासन में शामिल नहीं होंगे। उसके लिए हमें चाहिए कोई एक प्रतिनिधि, जिसको लोगों के द्वारा चुना गया है, लोगों ने उसको खड़ा किया है अपने पद पर कि वो आगे का कार्य संभालेगा। तो हमें प्रतिनिधि चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, उनका शासन, वो जब राज करते हैं, वो जब निर्णय लेते हैं, तो वो कहलाता है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में हमने प्रतिनिधि को चुन लिया, प्रतिनिधियों को चुनने के लिए हमें चुनाव करवाने की आवश्यकता है। चुनाव करवाना जरूरी है, तभी तो हम प्रतिनिधि को चुनेंगे। तो इसके लिए हमें चुनाव कराना पड़ेगा। अब चुनाव करवा तो ले, चुनाव के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अब इन दो बातों को समझो। पहला प्रत्यक्ष इसलिए होता है, जैसे हमने किसी क्षेत्र के एमएलए को चुना या फिर किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुना, तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव। बट वही अगर बात की जाए पीएम के चुनाव की, कि अगर प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव करना है, तो वो अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है, तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष। कैसे? क्योंकि हम चुनाव में किसे चुनते हैं? क्षेत्रीय नेताओं को चुनते हैं, जो आगे चल के क्षेत्रीय नेताओं प्रतिनिधियों को हम चुन लेते हैं, जो आगे चल के सभी पूरे देश में जितने भी क्षेत्र हैं, सारे क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो मिलके एक नेता चुनते हैं, जो कहलाता है पीएम या प्रधानमंत्री। ठीक है, जो पीएम का पद संभालता है। तो ये पूरी तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, क्योंकि हमने तो अपने प्रतिनिधि को चुना था। अब प्रतिनिधि ने अपने नेता को चुना, जो कि पीएम बना, तो ये चुनाव अप्रत्यक्ष कहलाया। चुनाव की ये बातें क्लियर हो गई। उसके बाद चुनाव करवाने वाला भी कोई होना चाहिए। चुनाव करवाने वाला होगा तभी तो चुनाव होंगे, ऐसे चुनाव कैसे हो सकते हैं? तो चुनाव करवाने के लिए कौन होता है?
चुनाव आयोग या फिर कह लो निर्वाचन आयोग। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, निर्वाचन आयोग का काम होता है कि वो निर्वाचन कराएगा किसी भी देश में, और उसमें शासन व्यवस्था के पद संभालने वाले को चुनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लोकतंत्र की आवश्यकता है क्यों। लोकतंत्र समझ आ गया आप लोगों को कि लोकतंत्र क्या होता है? लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो आगे चल के देश का की शासन व्यवस्था संभालता है। अब इसी बात पे इस लोकतंत्र को और अच्छे से समझने के लिए यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। इनके अनुसार इन्होंने एक स्टेटमेंट दी या फिर कहे इन्होंने एक बात कही। इनके अनुसार जो लोकतंत्र होता है या फिर डेमोक्रेसी होता है वो होता है ऑफ द पीपल फॉर पीपल और बाय द पीपल। अगर हम लोकतंत्र को समझना चाहते हैं तो सबसे इजी तरीका है ये स्टेटमेंट समझने का। इसमें हिंदी में क्या कह रहे हैं, ये लोगों के लिए लोगों द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब इस बात को कैसे समझा जा सकता है? लोगों का मतलब से क्या मतलब है? वो लोग जो कि चुनाव लड़ते हैं, जो कि शासन व्यवस्था में उपस्थित होते हैं, जो कि चुनाव जीत जाते हैं, वो है लोगों का मतलब कि उन्होंने काम किया लोगों के लिए। अब लोगों के लिए मतलब जो कि देश के आम जनता है, आम नागरिक है। ठीक है, उसके बाद लोगों के द्वारा किसके द्वारा चुने गए वो लोग, इन लोगों के द्वारा ये लोग चुने जो कि देश की शासन व्यवस्था संभालते हैं। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने ये स्टेटमेंट दी ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो। ठीक है, लोकतंत्र समझ आ गया। इतनी बात क्लियर होने के बाद एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना बहुत जरूरी है। कि लोकतंत्र की हमें क्यों आवश्यकता है? लोकतंत्र हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमने भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो भारत को ऐसी क्या जरूरत थी कि उसने लोकतंत्र को चुना? राजतंत्र भी है, शासन व्यवस्था में कई शासन व्यवस्था है जैसे कि राजतंत्र, उसके बाद सेना, सेना का शासन हो गया, ऐसे बहुत सारी व्यवस्था है। तो हमने लोकतंत्र ही क्यों चुना? क्योंकि लोकतंत्र मानव अधिकारों को देता है, छीनता नहीं है, मानव अधिकारों का हनन नहीं करता, मानव अधिकारों को प्रदान करता है नागरिकों को। ठीक है, उसके बाद लोकतंत्र की हमें आवश्यकता क्यों है? ये बात ऐसे समझो कि एक जंगल होता है, उसमें राजा कौन होता है? शेर होता है। क्यों होता है राजा शेर? क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे लोकतंत्र नहीं होता। अगर लोकतंत्र होगा तो सारे जानवर वोट देके किसी अच्छे जानवर को चुन के अपना नेता बना सकते हैं या राजा बना सकते हैं, बट लोकतंत्र होता नहीं है। तो जंगल जैसी हालत हमारे देश में भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि देश है, देश में बहुत सारे पावरफुल लोग होते हैं पावरफुल लोग होते हैं अगर इसमें लोकतंत्र नहीं होगा,
डेमोक्रेसी अगर किसी देश में नहीं होगी तो ये पावरफुल लोग राज करने लग जाएंगे, जो इनसे कमजोर लोग हैं उन पर इनका दबदबा बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें लोकतंत्र की जरूरत होती है कि ताकि सारे व्यक्ति जो देश में है सबको समानता के साथ जीने का अधिकार मिल सके। ठीक है, इसीलिए हमें लोकतंत्र की जरूरत होती है। उसके बाद आता है लोकतंत्र की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ लोक डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र की विशेषताओं में पहला पॉइंट क्या आ सकता है? सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का मतलब, वयस्क का मतलब होता है 18 साल का या फिर 18 साल से अधिक। अब सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी या फिर सबके लिए। तो जब जितने भी देश में 18 से अधिक या 18 वर्ष के लोग हैं उनको मत देने का अधिकार होता है, उसे कहते हैं सार्वभौमिक मत अधिकार। वो अपना वोट किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को देकर अपना नेता चुन सकते हैं, उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार। और ये अधिकार महिलाओं के लिए भी उतना ही कारगर है जितना कि पुरुषों के लिए। इसी अधिकार के जरिए कोई भी महिला किसी पुरुष से पीछे नहीं रहती अपने अपना मत देकर किसी नेता को चुनने के लिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट आ सकता है, दूसरा पॉइंट आता है दूसरा पॉइंट है सबको समानता। अब समानता कैसे मिलेगी नागरिकों को? जैसे सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार में महिला पुरुष सब समान है, वैसे ही यहाँ पर भी समानता का अधिकार मिलेगा कि कोई भी अमीर व्यक्ति या कोई भी गरीब व्यक्ति में भेदभाव नहीं होगा। जिस लाइन में वोट देने के लिए अमीर व्यक्ति खड़ा है उसी लाइन में वोट देने के लिए गरीब व्यक्ति भी खड़ा है, वो अपनी टर्न का इंतजार करेगा और वोट दे देगा। ठीक है, उसके बाद किसी भी प्रतिनिधि को चुनने की स्वतंत्रता होती है लोकतंत्र में। हम अपना वोट देकर किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, हमें इस बात की पूरी छूट होती है। ठीक है, क्यों होती है इस बात की छूट? क्योंकि जो मुकाबला होता है वो निष्पक्ष होता है, वो किसी के पक्ष में नहीं होता, इसीलिए फोर्थ पॉइंट बन जाता है निष्पक्ष मुकाबला। निष्पक्ष मुकाबले से मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी सिस्टम है वो किसी एक पक्ष का की साइड नहीं ले सकता, वो उसके सामने सारे पक्ष या सारी पार्टियां जितने भी लोग उम्मीदवार है सब समान होंगे, उसको कहते हैं निष्पक्ष मुकाबला। और वो कोई भी एक पार्टी जीत के अपनी अपने पद को ग्रहण कर सकती है। उसके बाद निष्पक्ष मुकाबला, एक व्यक्ति एक वोट और एक मुंह। जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ऊंची जात का हो, चाहे नीची जात का, उसे एक व्यक्ति समझते हैं। अगर उसने वोट दिया है, मत दिया है, तो उसका एक वोट जो है उसका मूल्य भी एक समझते हैं, उसको आधा या उससे कम नहीं समझा जाता। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं लोकतंत्र के पक्ष में या फिर उसकी विशेषताओं को दर्शाने वाले। इसके बाद आते हैं लोकतंत्र में कमियां होती है हर किसी चीज में। अगर वो अच्छाई कर रहा है तो उसमें बुराई भी होती है किसी भी चीज में। तो ऐसे ही लोकतंत्र में किसी जगहों पर लोकतंत्र पर
बहुत सी कमियां देखी गई हैं, जैसे जो मुकाबला होता है वो जो लोकतंत्र में जनता फैसला लेके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है वो कई बार गलत चुन लेती है। क्यों? क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती, जानकारी का अभाव या फिर कमी। कैसे? क्योंकि सेंसरशिप से, जैसे हमें जानकारी कैसे मिलती है किस नेता ने क्या किया या देश में क्या चल रहा है, कैसे मिलती है? न्यूज चैनल से, न्यूज पेपर से, प्रेस से। तो ये जानकारियां प्रेस से मिलती है, पर सेंसरशिप का मतलब होता है कि अपने किसी प्रेस पे पाबंदियां लगाना। कोई जो नेता शासन व्यवस्था में है उसने ये पाबंदी लगा दी कि जो हम कह रहे हैं तुम्हें वही छापना पड़ेगा, उसके अलावा तुम नहीं छाप सकते हो, तो उसे कहते हैं सेंसरशिप। अब सेंसरशिप लगाने के बाद जो सही जानकारी है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती, जिसके कारण जो व्यक्ति होते हैं वो मत देने में गलती कर देते हैं और चुनाव का फैसला गलत आ जाता है। उसके बाद जो लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित करने के लिए चुनावी मुकाबला होता है वो काफी खर्चीला होता है, क्योंकि अब हर पार्टी, हर दल अपना प्रमोशन करने के लिए खर्चा करती है, जन कल्याण करती है, घोषणा पत्र लागू करती है, जगह जगह जाकर रैलियां निकालती है, तो इन पर खर्चा होता है, तो इसीलिए चुनावी प्रणाली को खर्चीला भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है भ्रष्टाचार। अब पार्टियों ने खर्चा किया, ठीक है, उसके बाद अगर वो शासन व्यवस्था में आ गई, उसकी पार्टी जीत गई, कोई दल जीत गया, तो उसके बाद वो क्या करेगी? पहले अपना कल्याण करेगी या जनता का कल्याण करेगी? पहले जो उसका लॉस हुआ है वो सही करेगी, अपने आप को प्रॉफिट में लाएगी, उसके बाद दूसरों की या जनता के बारे में सोचेगी। तो इससे भ्रष्टाचार पैदा होता है, ठीक है। भ्रष्टाचार का मतलब होता है काले धन का बढ़ना, लोगों को सही जरूरतें ना मिल पाना, ठीक है, इसको कहते हैं भ्रष्टाचार। फोर्थ, अब जो लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके फैसलों में देरी होती है। कैसे देरी होती है? क्योंकि जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है तो वो अकेले किसी बात पर निर्णय लेके तो फैसला सुना नहीं देगा, वो अपने मंत्रिमंडल से चर्चा करेगा, फैसला विचार विमर्श होगा इस बात पर, कोई भी टॉपिक होगा तो उस पर कोई ऐसे निर्णय तो नहीं ले लेगा ना, सारी बातें सोच समझ कर। तो इसमें क्या लगेगा? ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा तो फैसले में देरी हो जाएगी। इसीलिए ये लोकतंत्र की कमी है कि जब मंत्रिमंडल से चर्चा विमर्श करने पर जो फैसला लेते हैं ना वो थोड़ा देरी से आ जाता है। उसके बाद है अस्थिरता। लोकतंत्र में ऐसी अस्थिरता रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कोई भी पार्टी किसी भी निश्चित समय के लिए नहीं होती। अगर आज कोई नेता प्रधानमंत्री के पद पर है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आने वाले 10-15 साल तक भी बना रहेगा। अगर लोगों को उसका काम पसंद नहीं आया तो वो आने वाले 5 सालों में ही बदला जा सकता है, इसीलिए लोकतंत्र में अस्थिरता रहती है। ऐसे लोकतंत्र के कई कमियां निकाली जा सकती हैं, जिनको आप घर से करके लाएंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। और जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी, अगर आप लोगों को लोकतंत्र के इन कमियों के अलावा और कमियां पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे।
अगली वीडियो हमारी बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद।